चलो जी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, कुछ याद है कि नहीं? स्टॉप कर दो। हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक तो हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, और एक पढ़ना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पैसे डिबेंचर से ले सकते, तो उसके लिए क्या निकालना सीखे थे, केडी। और केडी निकालने के दो तरीके थे, या तो रिडीमेबल होगा या तो इरिडीमेबल। और रिडीमेबल होगा तो कुछ फॉर्मूला था अजीब सा, वो आपको याद होगा, एक बड़ा बात। फिर केपी निकालना सीखे, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। और फिर के ही निकालना सीखे, तो के ही निकालने के तीन तरीके थे, एक था सी ए पी एम, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, और एक था डिविडेंड ग्रोथ, डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी, और एक किसी काम का था ही नहीं, तो याद ही क्यों रखे। हाँ वो किसी काम का नहीं था, दो मॉडल आपको याद। तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, अब बचा है कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, ठीक। बट अभी आप उसके लायक नहीं हुए हैं, तो पहले क्वेश्चंस बनाए, जितना पढ़ा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक आध क्वेश्चन किया था शायद, मैंने कुछ लिखवाया तो नहीं था ना उस क्वेश्चन। हाँ यहीं से स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर 10 से। क्या बुक सभी के पास है? आपको देना है, आपको देना है, दो लोगों को बुक देना। क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं कितना दिमाग चलता है। 5 ईयर अगो मतलब आज की बात है कि 5 साल पहले? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले सोना लिमिटेड इश्यूड 12% ई रिडीमेबल डिबेंचर, और इश्यू कितने में किया था? 103। डिबेंचर की बात हो रही है और ई रिडीमेबल की बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, तो केडी निकालना पड़ेगा, और केडी का फॉर्मूला I1 - tax / NP, ठीक, × 100। और बोल रहा है कि एक्चुअल में जो 3 रुपए वो प्रीमियम है, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो इंटरेस्ट किस पे आएगा? 100 रुपए पे, 12%। अभी मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है? 94, और टैक्स का रेट कितना है? 35%। वाट इज इट्स करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, केडी। तो चलो बनाते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, है ना? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, × 100। आई 12 रुपए, डिवाइडेड बाय 94 की डिवाइडेड बाय 103।
103। नहीं सोच लो, ऐसे ही तो फंसते हैं क्वेश्चन में यार। 103 ना, 103, क्योंकि अब कब का कॉस्ट निकाल रहे हो, 5 साल पहले का। वो पूछ भी रहा कि 5 साल पहले का कॉस्ट निकालो करके, 5 साल पहले का कॉस्ट निकालो ऐसा बोला है कि उसने। अच्छा करेंट कॉस्ट बोला तो 94 ही लेना पड़ेगा। कि अगर आज डिबेंचर इश्यू होता तो आज तो 94 के हिसाब से बिकता भाई। तब है करेंट, एट पॉइंट 30%। अच्छा अभी आएगा ना आएगा। कैपिटल बस्टिंग कर लेते ना तो ये सब ऐसा लगता है यार ये क्या कर रहा है सर, कितना क्या चैप्टर था वो। इससे तो ज्यादा ही मजेदार था। चले जी हो गया क्वेश्चन, चले आगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, कंपनी इश्यू 10,000 10% डिबेंचर, कितने का एक है 100 का, कितने में इश्यू हो रहा है 10% प्रीमियम पर, मतलब आज हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। 110, 110 रुपये आ रहा है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 को आ रहा है और टू बी मैच्योर ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब क्या बताना चाह रहा हूं यार, डिबेंचर जो इश्यू हो रहा है ना वो इश्यू कब हो रहा है, 1 अप्रैल, और हमको जब रिडीम्ड करना है वो कब करना है, 1 अप्रैल 2022, कितने साल बाद, 5 साल ना कि 4 साल, नहीं ऐसे पूछ रहा हूं आपको क्या लग रहा है, 5 ना, हाँ गिन ले क्या, 5 ना, ठीक है बाकी आप देखना। द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे रिडीम्ड होने वाला है और टैक्स का रेट है 35%। केड़ी आई वन माइनस टैक्स प्लस, कुछ करना है कि नहीं करना पड़ेगा, आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, टू हंड्रेड रिडीमेबल वैल्यू क्या लिया जाए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो रिडीमेबल एट पार, कहीं लिख भी देना पता लगा कि कहीं ना कहीं काम आएगा। आई 100 रुपए का कितना परसेंट, रुपीज 10, 1 माइनस कितना 0.35 प्लस आर बी कितना यार 100, और ये कितना आएगा 110 डिवाइडेड बाय 5, हंड्रेड प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में 200,
आंसर आ गया होगा। चलो जी, कैलकुलेशन याद रखना, यहाँ गलती बस एक ही हो सकती कि ये माइनस में है, बस उस पर फोकस करना, बाकी और कुछ नहीं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुए, स्टडी मैट में जितना भी ये सब उठाकर ला दिया। अ कंपनी इश्यूड 40,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 का एक है, इश्यू कितने में हो रहा है, 105, रिडीम कितने साल बाद होगा, 10 साल बाद, कितने में, 110, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, केपी निकालना। और सुनो, इग्नोर डिविडेंड टैक्स भी बोला, वाओ। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपको डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता, हमको मिलता है, हाँ तो आपकी इनकम है ना यार, इनकम है तो टैक्स लगना चाहिए। मैं कहता हूँ कि चलो छोड़ दो यार सब ये एफएम वेफएम भी बाद में, सबसे पहले काम की बात है, आप सीए लोग हो, ये बताओ जो डिविडेंड इनकम होती है उस पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता। हाँ तो आपको लगेगा ना, एक शब्द आता है यार डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और एक शब्द था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब ये बताओ जो कंपनी डिविडेंड कौन दे रहा है, कंपनी, क्या ये डिविडेंड है, यस, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है कि नहीं, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है कि नहीं, हाँ, पर एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट हो सकता है कि नहीं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट अभी तो बोला, तो क्या इस पे टैक्स सेविंग्स होगा, नहीं, मत, अगर यहाँ टैक्स का रेट दिया भी होता तो कुछ करते क्या, नहीं, पर अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता तो शायद रिटर्न अर्निंग में कुछ करते, वो अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, जब कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आएगा ना तब बात। तो केपी का बड़ा वाला फॉर्मूला कि छोटा वाला, बड़ा, चलो निकाल लें। केपी इज इक्वल, पीडी डिवाइडेड बाय एन, आंसर कितना है, क्या कितना आएगा, सबसे पहले 12 रुपए, आरवी कितना आएगा भाई, सोच समझ के काम करना, 110,
एनपी कितना आएगा? 105 आता, लेकिन 2 रुपया खर्चा भी तो है, 103। और कितने साल में रिडीम होने वाला है भाई? बस इलेवन पॉइंट चले जी, 11.92। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में होश नहीं उड़ेगी, उड़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले धीरे धीरे। सर ये होमवर्क दे दो ना प्लीज, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप होमवर्क ही लेना चाहोगे, होमवर्क। हाँ ये आया केई, केडी किया और केपी भी किया, आप केई पे भी आ जाते हैं। अच्छा एक किसी बच्चे का ये कहना था सर केई निकालने के दो तरीके हैं, एक सीएपीएम और एक डिविडेंड ग्रोथ। हमको बोला सिर्फ के ही निकालो तो पता कैसे लगेगा, है ना? ये तो बेकार का ही क्वेश्चन था, तो कौन किया था ये बता। अच्छा पूर्वी नहीं थी, आप क्यों टेंशन ले रहे? कैलकुलेट दी, अभी सुन लो नाम चेंज कितना भी कर दे कंपनी के लिए, अगर के ही है तो आपके लिए क्या होगा? देखो इक्विटी, आप हो इक्विटी शेयर होल्डर, अगर मुझे आपको देना है, मुझे फ्यूचर में आपको देना है तो मेरे लिए तो कॉस्ट है, तो आपके लिए क्या होगा? इनकम। इनकम को आप रिटर्न बोलते हो, तो शब्द आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न या शब्द आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक ही बात है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत होना कि किसके एंगल से पूछ रहे हो। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बीटा दिया हुआ कितना? 0.5। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 15%। क्या चीज आरएम, ये आरएम है। मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है यार? ये सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स 100, 100 नहीं 100, 100। निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ठीक। तो 30 कंपनी का मिलाकर, सेंसेक्स क्या वो वहां पढ़ेंगे हम आराम से फाइनल, 30 कंपनी का मिलाकर उन्होंने वेटेड एवरेज निकाला भी रफली। तो ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो नाम सुना है कभी? एक से ज्यादा स्टॉक्स में पैसा लगाना, तो सेंसेक्स क्या है? पोर्टफोलियो ही तो है। 30 कंपनी का मिलाकर एक पोर्टफोलियो बना, उसी को वो मार्केट पोर्टफोलियो मतलब आरएम बोलो ना सर सीधा। हाँ आप समझ गए थे पर मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आरएम, ठीक। और ये क्या है? रिस्क फ्री रेट कितना दिया है? 0.06। वाओ ठीक है, तो चलो पहले तो ये निकालते हैं, फिर ये दूसरा बाद में पूछा वो सोचेंगे कैसे करना। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ना जो पेपर चेक करेगा ना उसका दिल खुश हो जाएगा अगर यहाँ लिखोगे एज पर सीएपीएम, ऐसा लिख दिया ना तो वो सोचेगा यार क्या नॉलेज है बच्चे, प्लीज लिख दिया करो। एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके हिसाब से निकाल रहे हो? सीएपीएम। सर पूरा फुल फॉर्म लिखे तो और भी खुश हो जाएगा? नहीं होगा, बस इतना भर लिख देना सीएपीएम। आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, एक क्वेश्चन था।
इतना गुस्सा। आरएफ कितना है भाई? छे ये ना, प्लस बीटा कितना है? बीटा 0.5 का मतलब समझाओगे? मतलब मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, आधा गिरेगा। हाथ दिखा दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है ना, भी बोलो तो कितना जाएगा? 15-6। अब बीटा मुझे पहले लिखना था, कोई बात नहीं, मैं भूल गया, तो मैं बाद में लिख देता हूँ 0.5। हाँ लिखो, वो आएगा 0.105, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। अभी क्वेश्चन ये है कि और एक स्टॉक है जिसका उसने आपको ये दे दिया, कितना परसेंट दे दिया? 18। आरएफ तो वही रहना है, आरएम भी वही रहना, आरएम माइनस आरएफ तो वही रहेगा, बस चेंज किस में होगा? बीटा, तो बीटा निकाल सकते। अठारह प्लस सिक्स, 18 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 भी। नहीं, आराम से सोचते। हाँ ये मार्केट है 15, ठीक है, और आपसे क्या मांग रहा है? केई, दूसरे में क्या दिक्कत है? ये अनदर सिक्योरिटी का मतलब क्या समझते? क्योंकि मार्केट का तो नहीं है 100%। दूसरी सिक्योरिटी और मार्केट में अलग है, मार्केट मतलब सेंसेक्स की बात करेगा टोटल की, और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी की बात कर रहा, सिर्फ एक स्टॉक की बात। भाई ये एक स्टॉक है जिसका हमने निकाला कितना है, इतना, और एक दूसरा स्टॉक है जिसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, 18, मतलब रिस्क क्या होगा, ज्यादा। तो वो बोल रहा कि उस सिक्योरिटी का बीटा क्या होना चाहिए, ये बताइए। आप क्या बोल रहे हो कि सर आपने इसको मार्केट क्यों नहीं माना, क्योंकि शब्द मार्केट लिखा ही नहीं है, सब लिखा अगर अनदर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है। बीटा निकल जाएगा 18-6/9, आंसर कितना आ गया? 1.3। पीएम के क्वेश्चन बन जाएंगे, ये पीएम के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। कुछ तो है नहीं है यार, आर एफ प्लस बीटा बन जाएगी ना। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सिंपल करके बता दो, सीएपीएम के हिसाब से, और फिर से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, किसका निकालना है? पोर्टफोलियो का, मतलब सिक्योरिटी का। भाई आप टेंशन मत लेना, आप इसमें फंस गए हो सर, ये मार्केट पोर्टफोलियो नहीं। अभी मुझे बताओ ये क्या लिखा है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ये क्या चीज है? आरएफ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आर ये क्या है, मार्केट शब्द लिखा है तो ये क्या है? आरएम, ये क्या चीज है? 3% स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये क्या है? मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और कोरिलेशन दिया है कितना? 0.8। सिंपल, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है।
मतलब आप स्टैंडर्ड एविएशन नाम नहीं सुने हो कि पहले कभी? कब सुना था? ओए भाई अभी 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 बताओ इतना तो स्टैंडर्ड एविएशन किया यार। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब चेंज, चेंज। और बीटा आपने टू करके ऐसा कुछ बताया था यार, किसी स्टॉक का बीटा टू है मतलब मार्केट मार्केट 10% या 1% जो भी बोल दो, अगर किसी स्टॉक का बीटा टू है इसका मतलब सर मार्केट का मूवमेंट है, मार्केट में चेंज है कितने परसेंट का? 1% का। तो स्टॉक में चेंज है तो क्या मार्केट में चेंज हमको पता है क्या? हाँ सर 2.5। क्या हमको स्टॉक है ये एसेट मतलब स्टॉक, स्टॉक में चेंज कितने का है? 3%। क्या बीटा निकल सकता है? यस सिंपल है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? बीटा। और एक बार बीटा निकल गया तो फिर काम हो ही सकता है। सर ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर आए हो? ये क्वेश्चन क्या स्टडी मैट का है? नहीं स्टडी मटेरियल का नहीं है। क्या एग्जाम में आया हुआ है? नहीं। क्या आरटीपी का है? नहीं। क्या एमटीपी का है? नहीं। ये फाइनल क्वेश्चन। अगर किस्मत बुरी से बुरी हुई तब की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक पहला काम क्या कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऊपर किसका स्टैंडर्ड है एसेट, सिंपल सी बात है यार तभी तो आएगा इस मार्केट से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। बट इसमें और एक चीज है जो मैंने छुपाया था और छुपाया था कि यह हम मल्टीप्लाई होता था कोरिलेशन से। इस ये मतलब ये टाइम पास के लिए दिया कि 0.8 यूज है कोरिलेशन का एसेट एंड मार्केट। सर क्यों ये है क्या कोरिलेशन? तो इसके लिए ना बहुत लंबी क्लासेस है मेरी YouTube में ऑलरेडी डली हुई। कोरिलेशन क्या? कोरिलेशन समझते हैं थोड़ा बहुत। आपको पता है, आपको सीरियसली बताऊं, कोरिलेशन के बिना हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। ऐसे लगाना लगाओ, सट्टा लगा रहा हो कोई, लेकिन अगर रिसर्च करना तो बिना कोरिलेशन के काम ही नहीं हो सकता। अब ये ना यहाँ समझाना अच्छा नहीं है, बस ऐसा है ये अभी याद कर लो कि यार कोरिलेशन होता है। ठीक है, कोरिलेशन से मल्टीप्लाई। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? एसेट 3 डिवाइडेड बाय 2.5, बस कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर देना 0.8। बीटा कितना आ गया? 0.96। कोरिलेशन के विषय में ना आप ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करोगे, वो फाइनल में आके सीखेंगे जब बड़े हो जाओगे आप। अब क्या निकाल रहे हैं हम? एक्सपेक्टेड रिटर्न। आरएफ मालूम है क्या? इक्वेशन आपको मालूम है? आरएफ प्लस बीटा आरएफ माइनस आरएफ। आरएफ कितना है प्लस बीटा कितना निकाला था? आरएम कितना है माइनस आंसर 19.68%। ये चीज मैंने
अभी तो आपको बहुत सारी बीटा का सही वाला फॉर्मूला, ये बीटा कैसे बना क्या होता है, आपके उस लेवल का नहीं है। बस सीएपीएम आएगा तो आपको बीटा ये भी नहीं आया आज तक, बीटा निकल लिख कर दे देता है बस बात। ठीक है, बस अगर अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यार इससे ऐसे बीटा निकलता है, यही काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 पर शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपए लास्ट ईयर, और ग्रोथ रेट कितना दिया है 10%। आपको के निकालना है अगर मार्केट प्राइस कितना है 55, तो सीएपीएम लगाएगी या डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ, तो चलो के निकाल। P1, P0, दस जी अब यार ये जो डिविडेंड दिया 1 रुपए वो D0 है कि D1 है, तब द लिखा है पैड और साथ में लास्ट ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक, रुपीज 1 और इसको कितने परसेंट से ग्रो करना है 1.10, नीचे कितना आ जाएगा भाई 55 प्लस 0.10, पता नहीं यार, बस सही है जो आपका आंसर आ रहा है, कितना परसेंट इसको ठीक कर लूं 12%। चले आगे, क्या लगता है? नहीं देख लो बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम्हें पढ़ लो क्वेश्चन, कैलकुलेटर भी चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ते हैं। आगे होमवर्क, ठीक है, हाँ चैलेंज वाला क्वेश्चन, बहुत हो गया टाइम पास। क्वेश्चन नंबर 7 करके बता दो, मान जाऊंगा, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा इस। सिर्फ आपसे क्या मांग रहा है, केई और ग्रोथ रेट। 4 साल पहले डिविडेंड कितना दिया था भाई 10, अभी कितना यार ग्रो हो रहा है ना, पहले डिविडेंड कुछ और था 4 साल पहले, अभी कुछ और है, तो ग्रोथ है, ग्रोथ निकल जाएगा तो केई निकल जाएगा फिर तो। क्या D1 कितना है भाई, एक बात बताओ केई में मुझे जरूरत क्या है, के इज इक्वल टू D1 P0 + G। ठीक, एक चीज मुझको मालूम है 6, ये तो पता है करंट मार्केट प्राइस, अब D1 कैसे निकालोगे,
ये रिविजन कब का है? 4 साल पहले का। ये रिविजन कब का है? अभी का। तो 1 साल बाद का डिविडेंड तो निकल ही सकता है ना, जो भी डिविडेंड है उसमें ग्रोथ जोड़ देंगे तो D1 निकल जाएगा। हाँ, ग्रोथ निकालना पड़ेगा भाई, बिना ग्रोथ, ग्रोथ 12% है, दिया है क्वेश्चन में, अच्छा आंसर में दिया। सब तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट पहला काम। चार साल पहले का डिविडेंड कितना था? 6,10,000 लिख दूं क्या ना यार? 6,10,000 1+g/4 बड़ा, और बढ़ के कितना हो गया? 9,60,000। D0 कौन सा है इसमें? D0 960,000 D0। और ये क्या है? D-4। हाँ चल, पर हम लिखे ही क्यों भाई, लिखते ही नहीं, ऐसा लिख देते काम खत्म। D=960,000/6,10,000 पावर क्या हो जाएगा? 30 पावर लगाना पड़ेगा, -1 और जो भी आया इनटू क्या कर दोगे? 100। बराबर, एक तो मुझे D0 मालूम है, D0 कितना है? 9,00,000 डिवाइडेड बाय 20,00,000 है ना। डिविडेंड पर शेयर चाहिए, नंबर ऑफ शेयर 20,00,000, 0.4 प्लस, बस इतना ही है क्या? तो K=T1/P0+G(4×1.12)/6.10.12 मतलब फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं? तो सीधा D1 निकल जाए, चल जाए। मतलब इसमें आंसर नहीं आ रहा है, वो 1,60,000 डिवाइडेड, ठीक आंसर तो आएगा ना यार, कितना आ रहा है? 20.9। ये क्वेश्चन के सामने लिख दीजिए डिविडेंड, ये क्वेश्चन डिविडेंड के साथ में पड़ेगा, डिविडेंड एक चैप्टर पढ़ने वाले उसके साथ में पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9।
डिविडेंड चैप्टर के, तो उसमें भी सारी चीजें आनी है वापस। और क्वेश्चन नंबर वन और टू जो है ना वो कैपिटल बजटिंग के साथ में, बिना कैपिटल बजटिंग के वो चीज समझ में आ ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, नहीं आपको, आप कैसे कर सकते हो वाह, इट मीन्स कैपिटल बजटिंग का नॉलेज से नहीं होने वाला है, मेरा साथ जरूरी है। तो मैं आपको समझा दूंगा वो, क्योंकि अभी जो बिना कैपिटल बजटिंग किए बैठे हैं ना उनके तो बाप क्या चल क्या रहा है, ये कोई मतलब नहीं। सुनो भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान दोगे बच्चों, ध्यान दोगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। MPS का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, इसके शेयर का प्राइस चल रहा है 1000, इसके शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए। इस शेयर का प्राइस पता कैसे लगता है हम लोगों को? आज 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 रिलायंस पावर का प्राइस 3:30 बज गया, रिलायंस पावर मार्केट बंद हो गया होगा ये देख रहा हूं मैं, तो रिलायंस पावर का क्या प्राइस होगा क्या पता लगाया जा सकते हैं? यस आराम से पता लगा सकते, जाओगे स्क्रीन पे अभी अभी इस टाइम पे क्या रेट चल रहा है ये पता लगाओगे, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, एक शब्द और सुना होगा आपने ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और ईपीएस ये कमा कर दे रहा है 100 रुपए। ईपीएस कैसे पता लगेगा आपको? अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का ईपीएस आज पता लगाया जा सकता है। मुझे नॉलेज चाहिए पढ़ाना, तो यार ये तो फॉर्मूले तो यूं हो जाएगी। ईपीएस कभी भी डेली बेसिस पे नहीं निकाला जाता, ईपीएस कब निकला होगा? 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है, जो पीएनएल अकाउंट है, डिवाइडेड बाय कुछ किया होगा तो ईपीएस निकला होगा, ये वो वाला ईपीएस है, मतलब जो ईयर एंड हुआ वो वाला ईपीएस। प्राइस कब का है? आज का। ऐसे इसका भी ईपीएस है 100 रुपए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ईपीएस कितना है 100 और मार्केट प्राइस कितना है 1000, बता सकते हो ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस अर्निंग से कितना टाइम्स है, कितने गुना ज्यादा है? अर्निंग से कितना टाइम? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का नाम होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि इस शब्द का बार बार यूज होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस ऊपर अर्निंग नीचे, प्राइस ऊपर अर्निंग नीचे, प्राइस अर्निंग रेशियो। और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो बोलो 5 टाइम्स। अगर मैं कहूं किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि सर उसकी जितनी अर्निंग है ना उससे कितने गुना ज्यादा मार्केट प्राइस है? 5 और ये 10। अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपकी नजर में कौन सी कंपनी अच्छी, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा कि जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो कम? आराम से सोच के जवाब दें। बी, बी सही, क्या सोचे जरा बताना। अच्छा आपका ये सोचना सर ए लिमिटेड का शेयर बिक कितने का रहा है, वो कितना कमा कर दिया, तो इसका शेयर खरीदेंगे कितने का 500, और ये भी कितना कमा कर देंगे 100, तो फिर कौन सी खरीदे? बी ही खरीदे, 500 लगा के 100 कमाओ ना यार। FM में एक शब्द आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब सुनना ध्यान से, ये प्राइस कब का है आज का, ईपीएस कब का है पुराना, और शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई, किसकी इज्जत ज्यादा है, इज्जत 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 की बात, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड। प्राइस अर्निंग रेशियो का हिंदी मीनिंग क्या मालूम है? इज्जत। तो अब बताओ ए लिमिटेड क्या लोग आपको जो पब्लिक दिख रहे, डिमांड किसकी है इसकी, मतलब पब्लिक बेवकूफ है, आप इंटेलिजेंट हो, हाँ आप यही बोल रहे हो ना
पब्लिक ये कह रही है, पब्लिक पूरी पब्लिक टूट पड़ी है, और इसका दाम इसे खरीदो ये खरीदो ये खरीदो, आप कह रहे पागल है ये खरीदो ना, उनको भी तो दिख रहा होगा। तो भी लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं, इसी के पीछे पड़े हुए हैं ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज देख रहे हो, और सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हो, अर्निंग। सर आपने दूसरा कहाँ दिखाया, दूसरी चीजें दिखा, मैं आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ अर्निंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो चीजें भले ही आपको नहीं दिख रही लेकिन वो प्राइस अर्निंग रेशियो देखकर तो आपको समझ में आना चाहिए। आप खुद सोचो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब किसकी इज्जत ज्यादा, क्या ये भी अर्निंग उतना ही कमा रहा है, ये भी उतना कमा रहा है, लेकिन लोग किसके लिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं, एक के लिए इज्जत। भले वो कोई हमको नहीं मालूम कि क्या है बैलेंस शीट, कोई मर्जर होगा नहीं होगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन इससे समझ में तो आ रहा ना यार कि डिमांड इसकी ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी, और आपको तो मार्केट कुछ भी नहीं समझता तो भी आपने ज्ञान दे दिया यार ये खरीदो सर। तो वो सोचो जिसको जबरदस्त नॉलेज होगा वो भी इस पे पैसा लगा रहा होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा, इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं है, आपने जो बोला वो भी सही है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन अभी आप बच्चे हो तो एक फॉर्मूला भर याद रखना, प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, देख लो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला काम आएगा, कहीं भी चिपका देना काम आएगा। MPS divided by मतलब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस मैटर पे बात नहीं, ठीक। प्राइस अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए ज्यादा, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। मैं फंसना नहीं चाहता कोई भी स्टेटमेंट देके। वैसे जब फाइनल में पहुंचोगे तो मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छा, लेकिन मर्जर अगर कर रहा है तो हमारा टारगेट कुछ और, तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें होगी, ठीक। तो हमने क्या क्या अभी मैं बोलूं तो हाँ ज्यादा होना अच्छा है जनरल। चलो जी, तो के ई हो गया, के डी हो गया, केपी हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लिया प्राइस अर्निंग रेशियो का। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ अभी, पहले हम डब्ल्यू एस सी सी समझते हैं उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है जो समझना। तो लिखोगे अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा या तो 5 नंबर का आएगा या तो 10 नंबर का आएगा। तो लिखोगे, हेडिंग डालोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग रुक कर करेंगे थोड़ा सा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या तो इसका और एक नाम है जो ज्यादा चलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको बोलते हैं WACC, तीन चार तरीके हैं WACC नहीं, और तीनों चारों तरीके पढ़ना पड़ेगा, पर मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपके होश उड़े, तो एग्जांपल से बात करें। देखोगे एग्जांपल, एग्जांपल से ही समझेंगे हम लोग कि क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप ही बताना मैं लिखते जाऊंगा। इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपको फॉर्मूला पहले से आता है, बस आप बताते जाओगे मैं लिखते। तो
कैपिटल स्ट्रक्चर, पैसों का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। आपने बताया कि एक तो कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, इक्विटी से। हमने कहा चलो जी, और हमने करीब करीब 4 लाख रुपए इक्विटी से ले लिया। वाह, कुछ देना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई। और मान लो केई कितना है, 15%। सर ये दिया रहता है कि एग्जाम में नहीं निकालना होता, ठीक मैं तो दे दे रहा हूँ। सर इसके अलावा और पैसों की का अरेंजमेंट कहाँ से हो गया, डिबेंचर्स। और डिबेंचर से करीब करीब 5 लाख रुपए डिबेंचर जो देना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, केडी। कितना परसेंट, कितना परसेंटेज आप जो बोलोगे मैं लिखूंगा, मैं बस देखना चाहता हूँ कुछ अच्छा सा बोलो। 16 चलेगा ना। सुनो मेरी बात सुनना, कि मैं हूं कंपनी, मैं कह रहा हूं प्लीज मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, आपको मैं रिटर्न दूंगा कितना परसेंट, 15%। आप लोगों से अलग बात करूंगा। एक काम करो, आप मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लो, मैं आपको कितना दूंगा, 16। इनको मिलेगा कब, जब प्रॉफिट होगा तो 15 मिलेगा, और इनको कितना मिलेगा, और सुनो पहले किसको मिलेगा इनको, और पैसा बचा तो किसको मिलेगा। आप पागल हो क्या, आप 15% पे कैसे तैयार हो सकते हो। सर कहना क्या चाहते हो, ये कसम खाओ कसम कि केडी हमेशा क्या रहेगा, कम रहे। एक सर ये बड़े बड़े लोग आएंगे, यार मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लोग आएंगे जिसका नाम रहेगा MM मोदी, ग्लानी एंड मिलर आएगा, वो यही बात करेगा, उस समय हमको समझ भी नहीं आएगी क्या बोल रहा है, इसलिए मैं आपको मजे लेते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आप टेंशन मत लेना। तो केडी हमेशा हाँ 10 बोलते 8 बोलते तो ठीक होता। चलो प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख केपी, 1 लाख तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत ज्ञान दे दिया पहली क्लास में, देखो ये ऐसा होता है, बाद में क्वेश्चन में उल्टा दे दिया था, बोले देखो सर मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये कई हमेशा ज्यादा होगा। तो भाई 4 और 5 9 लाख और 1 10 लाख का अरेंजमेंट किया। 4 लाख पे कितना देना है, 15, 5 लाख पे 10 और 1 लाख पे, तो टोटल 10 लाख पे कितना देना है ये निकालना, इसको बोलते हैं कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। यार टारगेट क्या है पता है ना, हम क्या, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 10 लाख रुपए पे टोटल मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, कितना, ये कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा भाई मैं एक आम आदमी की तरह बात करूं, आम आदमी की तरह बात करूंगा ठीक। 4 लाख पे कितना देना, 15%, तो 4 लाख का 15% कितना होता है, 60,000। तो सर 60,000 तो ये जाएगा एक, ठीक है। 5 लाख का 10%,
50,000 तो ये भी जाएगा, ठीक है, और 1,12,000 12,000 ये जाएगा, तो टोटल मिलाकर कितना जाएगा 1,00,000, और ये 1,22,000 कितने पे जा रहा है 10,00,000 पे, तो परसेंटेज बता दो। 12.2 का नाम क्या है WACC, ठीक, ये ही निकालना, और कितना नंबर मिलेगा इसका 10। और कसम से ये बोलोगे ना सर ऐसे क्वेश्चन आते, मैं आपको पेपर उठा के दिखाऊंगा अभी का इस अटेम्प्ट, WACC आता है, पर क्या इसका नंबर मिलेगा नहीं, आंसर सही है, कोई रोक नहीं सकता, आंसर सही है सर, आंसर सही है, पर इसको प्यार से बनाएंगे, 2 मिनट के क्वेश्चन को कोशिश करेंगे 10 मिनट लगाने की, ठीक। तो सबसे पहला काम रहेगा टेबल बनाएं, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो पहले पैसे किससे उठाए हैं, इक्विटी से, फिर किससे पैसे उठाए हैं डेट से, और फिर पैसे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, फिर क्या लिखोगे अमाउंट 4,00,000, 5,00,000 और 1,00,000, फिर इसको टोटल कर देना 10,00,000, फिर यहां लिखा जाएगा वेट का मतलब हो गया कि टोटल मिलाकर 10,00,000 रुपये का अरेंजमेंट किया, उसमें से इक्विटी कितने का 4,00,000, परसेंटेज में बताओ कि 10,00,000 में इक्विटी कितना परसेंटेज है, 40% में लिख सकते हो या 0.4 लिखा जाता है, कैसे निकलेगा 4,00,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000, और ये कैसे लिखा जाता 0.5, और यहाँ क्या आ गया 0.1, और कुछ बच्चे बोलते सर वेट का टोटल 1 होगा, हाँ भाई 1 तो हो गई, अब यहां क्या लिखा जाता है इसके बाद लिखा जाता है स्पेसिफिक कॉस्ट जो दिया है, यहां कितना 15, यहां कितना 10, और यहां कितना 12, अब फिर क्या करना होता है हमको वेट से मल्टीप्लाई कर देना होता है स्पेसिफिक कॉस्ट का, तो 15 × 0.4 कितना जाएगा 6, 5, 1.2, और इसका टोटल मारो 12 point, और प्यार से यहां लिखना WACC, हो गए, कौन सा ज्यादा अच्छा तरीका है ये वाला ना, कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये टाइम पास हो रहा है, सुनो तो एक बात सुनो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, देखना चाहता हूँ कितना नॉलेज, 1,00,000 रुपया का मैंने स्टॉक खरीदा, इसमें से 80,000 का स्टॉक 90,000 में बेच दिया, 1,000 का खरीदा था पर पूरे 1,00,000 का नहीं, 1,00,000 में से 80,000 का 90,000 में बेचा, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000, काम आदमी भी बता देगा, पर सीए लोग देखो ऐसा कुछ बनाते हैं और इसका नाम देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इधर 1,00,000 लिखेंगे, इधर 90 लिखेंगे, इधर 80 लिखेंगे, इधर क्लोजिंग स्टॉक उतना ही लाओगे 10,000 ही लाओगे, वही तो मैं भी करवा रहा हूँ यार, मैं कौन सा गलत करवा रहा, वो सब बहुत चीजें यहां भी आएगी धीरे धीरे आएगी, अब सेकंड लिखोगे अल्टरनेटिव टू, और एक तरीका है, एक फॉर्मूला मेथड, कोशिश यह रहेगी कि हमारी हम टेबल में ही काम करें,
इन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते कि हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो फॉर्मूला मेथड और उसमें के ओ निकालने का फॉर्मूला है के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी प्लस के पी इंटू डब्ल्यू पी के ई कितना है 15 और इक्विटी का वेट कितना है 0.4 केडी कितना है 10 और उसका वेट कितना है 0.5 और केपी कितना है 12 और उसका वेट कितना है 0.1 मालूम है आंसर क्या आएगा 12 पॉइंट। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, याद होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। जब ना यार मैं बस इतना चाह रहा हूँ, जब आप वैसे स्टडी मैट तो खोलोगे नहीं, उम्मीद नहीं है आपसे, पर अगर बाय चांस घर जाकर खोल लिया बाय चांस और ये दिख गया तो डरना मत यार, ये कुछ नहीं है, टाइम पास है, आप भी जानते हो। और एक अल्टरनेटिव लिखा है फॉर्मूला आपके स्टडी मैट में, ये वो इसी को, और हर फॉर्मूले का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आने वाला है, इसलिए लिख पा रहा हूं। हाँ ये काम आएगा ना यार इसी कारण। यही कितना है 15 15 में इक्विटी का कितना पैसा लगा है 4 हाँ वही तो है, बस डिजाइन बना के कर रहे हैं 4 लाख सर कसम से डिवाइडेड बाय 10 लाख केडी कितना है इनटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस केपी कितना है 12 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय और आश्चर्य होगा आंसर आएगा 12.2 पर। और आपकी बाई चांस कोई क्लास छोड़ दिया होगा और वो कॉपी देखेगा ना उसके सीरियसली, और मैं भी आपको बता रहा हूं अगर मैं कुछ एग्जांपल सीधा फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता ना तो आपको हो गया काम, नहीं होने वाला। क्या किसी भी फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा? ठीक चलो, तो अब हम लोग तैयार हो गए। जितने भी क्वेश्चन है अगर टेबल बन सकती तो टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, अगर टेबल नहीं बनी तो फिर वो अलग में। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हमारे पास जितना भी टाइम है हम काम करते हैं, लिख रहा हूँ तो समझ के काम करना पड़ेगा। ठीक अच्छा क्वेश्चन है बेस्ट, बस वो एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो एग्जांपल कर लोगे ना उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बस वो एग्जांपल अच्छे से कर देखोगे एग्जांपल।
10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 कितना हो गया 1,00,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो हजार शेयर 100 का 1 तो कितना हो जाएगा 2,000 × 100 200,000 10% डिबेंचर्स 300 डिबेंचर्स 1,000 का 1 तो कितना आ गया 3,00,000 पैसों का अरेंजमेंट ही ऐसे हो रहा है 1,00,000 2,00,000 3,00,000 बस आपको क्या देना बाकी है केई और केपी और क्या केडी वो दे देता हूं तो बात करता हूं फर्स्ट B0 रुपीज 4 B0 रुपीज 50 ग्रोथ रेट 8% सेकेंड जैसे मैं यहां तक गया ना 12% प्रेफरेंस शेयर मैं क्या कहना चाहता था सुना ही नहीं मैं जैसे यहां तक गया फिर धीरे धीरे मेरा मूड चेंज होने लगता तो फिर मैं इधर कुछ भी चेंज करते रहता हूँ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर हंड्रेड ईच इश्यूड एट रुपीस 95 एंड रिडीमेबल 5 years 1100 debentures issued at 1100 and redeemable at 5 after 10 years और टैक्स रेट 40% कैलकुलेट WSSC पॉइंट नंबर 1 On the basis of book value weights, on the basis of market value weight, अब खत्म हुआ चाहे बुक वैल्यू से कीजिए चाहे मार्केट वैल्यू से कीजिए सर ये है क्या पहले ये बताओ वो मैं बताऊंगा सबसे पहले इन सब के लिए मुझे स्पेसिफिक कॉस्ट लगे इसके लिए क्या लगेगा केई इसके लिए केपी और इसके वो आप निकालने जा रहे हैं
पहले वो निकाल लीजिए और फिर मुझे बताओगे कि यही कितना आ रहा है। कितना 8 पॉइंट है ना, उन्होंने प्लस जी नहीं किया। हाँ हे भगवान, के इतना कम कैसे हो गया? फिर तो आप ही मेरी उड़ा दोगे। इधर कहोगे वाह आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे सर। फोर डिवाइडेड बाय 50। अच्छा 4 × 1.08 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.08 16.64%। जरा ये भी बता देना कि क्या गलती कर रहे थे। पहले ये और ये दोनों निकालो, हो गया एक। ये आया केपी 13.33%, 4 पॉइंट आ सकता ना भाई। उसकी दो वजह, दो तीन वजह। एक तो 10% टैक्स मिक्स होगा इस पे, दूसरा इश्यू कितने में कर रहा है 1100, और वापस जो कर रहे वो कम, वो भी एक फायदा है। दो तीन फायदे इसमें आ सकता है। आगे करो, टेबल बनाओ। WCC आ गया है क्या? बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू का मतलब समझ रहा है? बैलेंस शीट जो बुक्स में लिखा जाता है। बुक्स में शेयर की कीमत कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं यार। हम तो लिखेंगे उतना जितने में इश्यू किया होगा, नहीं जो फेस वैल्यू है वो लिखते हैं। ठीक है,
इक्विटी के सामने तो फेस वैल्यू लिखते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, इक्विटी और क्या है यार, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ कितना कितना पैसा लगा हुआ है बुक में, बैलेंस शीट में क्या लिखा है, 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,00,000। वेट 0.1777 नहीं, मेरी बात ठीक है, अभी तो मैं कर ले रहा हूँ, पर कोशिश ये करना बेटे, क्योंकि वेट की वजह से WCC में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा, पहला क्वेश्चन है, बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना आपको वेट। दो लाख डिवाइडेड बाय 6,00,000, हाँ 2.78 लिख सकते, बस वेट में भर आपको 3 डिजिट लेना। स्पेसिफिक कॉस्ट 16.64, 13.33, 4.76, ये सबका सही आ गया ना भाई। और वेट से मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, स्पेसिफिक कॉस्ट, तो 16.64 इंटू 0.167, तो यार ये आ गया 2.78 लिख सकते हो, 3 डिजिट भी लिखोगे तो भी दिक्कत है। 13.33 इंटू 0.333 4.44 4.76 इंटू 0.5 2.38 9% this WS। तक ओके, अब मेन कॉन्सेप्ट समझ, एक्चुअल में कंपनी के पास 10,000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 1,00,000 रुपए नहीं आया। नो डाउट वो दे रहा है पैसा, पर यार वो किस पे दे रहा है, वो तो 50 रुपए पे, एक्चुअल में आया कितना, 50 ही तो आया। इट मीन्स 10,000 × 50 कितना होता है, 10,000 × 50 आया तो 5,00,000, तो 5,00,000 पे देना है उसको, एक्चुअल में जो पैसा आया उस पे देना होता है। तो ये जो मेथड है ये अप्रोप्रिएट नहीं माननी जाती कि यार जो आया है उस पे कितना देना है, क्योंकि शेयर जो इश्यू हो गए वो किस कितने के हिसाब से हो गए, 50 के हिसाब से हो। तो आपको बुक वैल्यू की जगह कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर WACC सही निकालना है तो आप कौन से हिसाब से निकालोगे, मार्केट, बस यहां बताना मुझे, बस ये बताते जाना यहां मार्केट वैल्यू कितना आएगा इक्विटी का, कितने शेयर्स इश्यू कर रहा है, 10,000, कितने के हिसाब से, 50, 10,000 × 50, अच्छा
यहाँ कितने शेयर्स इश्यू करे, 2000 × 95 300 × 11 तो ये चेंज हो जाएगा, बाकी ये सारी चीजें वही रहेगी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको सर दोनों से निकालना है कि नहीं, एग्जाम में किसी एक से निकालना है। अगर बोलेगा कि बुक वैल्यू वेट से निकालना तो बुक वैल्यू, अगर बोलेगा मार्केट वैल्यू से तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो नहीं। इंस्टीट्यूट क्या करता है, ज्यादा सही कौन सा मेथड है मार्क, तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोलेंगे तो किससे निकालेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सुन लो भाई, भले ही वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अपना अपना ज्ञान अपने पास में रखोगे। ICAI क्या कर रहा है, यही कर रहा, तो हम भी यही करेंगे। ठीक, वाह सर, तो चले कैलकुलेशन ऑफ WACC मार्केट। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में कभी चेंज नहीं होगा। अमाउंट कितना आया था यार पहला वाला, 5 लाख, 5 लाख कैसे आया पता है ना, 10,000 × 50 रुपये। ठीक है, फिर कितना है, 2000 × 95, 1,90,000। और 3 लाख टोटल कितना हो गया भाई, 10,30,000। आप क्या निकालोगे, वेट्स, कैलकुलेटर यूज करना आता है ना, पता लगा यहाँ गड़बड़ कर रहा, कितना तो आता ही होगा, क्योंकि बड़ा आएगा ना तो फिर दिक्कत में पड़ोगे। कैसे करते हो, 5,00,000 / 10,20,000 कितना आ गया, 0.49। उसके बाद क्या करते हो, हाँ डिवाइड इक्वल टू वही वाला जो आपको आता है, ऐसा नहीं है कि भाई, फिर भी सुन लो, आता है ये चीज, 5,00,000 / 10,20,000 इक्वल टू कर लिया, फिर 1,90,000 फिर इक्वल टू कर दो, बार बार 10 लाख दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरा ये कहना, मैंने करवाया हूँ कहीं ना कहीं तो करवाया हूँ, 0.3134। ले लेते, ठीक है। तो आगे चले, आगे आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक कॉस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 16.64, 13.33 और 4.76। फिर आगे चले तो वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट हो जाएगा, खत्म चैप्टर। तो ये था आपका चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक है। क्या प्लानिंग है? क्वेश्चन मेरे पास है नहीं है, और एक और टॉपिक है जो पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, पर आराम से पढ़ लेंगे। कल क्वेश्चन हो गए, बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं, हालांकि क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, बुक भी मिल जाएगी तो बच्चों। तो कल जो है, कल क्वेश्चन बनाएंगे पूरा हम WS। तो कल की क्लास लगेगी, टोटल मिलाकर 3 क्लासेस कल और परसों, 3 क्लासेस और लगेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा पूरा खत्म। ठीक, तो कल से स्टार्ट करते क्वेश्चन बनाना, ले सफिशिएंट। पर याद रखना कि WACC निकालने का कितना अप्रोच है, दो, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बस। और क्वेश्चन जो बोलेगा वो करेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम बुक वैल्यू वैसे निकालेंगे।